वेल गाइस, इस वक्त की सबसे बड़ी खबर यह आ रही है कि नीट 2023 का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आउट हो चुका है जी, जिसका लिंक हम लोगों ने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। सो बिफोर अप्लाइंग आप लोग इस वीडियो को कंप्लीटली देखिए, बिकॉज आप में से मैक्सिमम बच्चे लिंक पर क्लिक करेंगे, जाएंगे ऊट पटांग नंबर डालेंगे, ईमेल आईडी डालेंगे और बाद में आप लोग अपने एप्लीकेशन फॉर्म को रिवर्ट नहीं कर पाते और आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ना सबमिट भी प्रॉपरली नहीं हो पाता, जो कि बाद में चल के आपको बहुत ही दिक्कत देगा जी। तो इस वीडियो में हम ये बात करने वाले कि सर कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, वैलिडिटी सर्टिफिकेट क्या होता है, सेल्फ डिक्लेरेशन क्या होता है, पासपोर्ट साइज का जो ये रहेगा क्या कहते हैं, कितने केबी कार्ड हमें अपलोड करना है, हमारा थंब इंप्रेशन कौन सा होगा, लेफ्ट या राइट का होगा जी, हमें किस किस को सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म सबमिट करना है नहीं करना है, इन सभी की जानकारी हम लोग देने वाले हैं जी। ठीक है, आप सभी को ये पता है कि नीट 2023 जो है वो 7 मई को होने वाला है आपके पास। सो बिफोर अप्लाइंग आपको ये पता होना चाहिए कि आप लोग एलिजिबल हैं या नहीं, ओके, आपकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कंप्लीट हो रही है या नहीं। सबसे पहली बात कि आप 17 साल के होने चाहिए, कम से कम आप 17 साल के होने चाहिए और वो भी टिल 31st December 2023, पहली क्राइटेरिया। दूसरी बात, क्वालिफाइंग मार्क्स, अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके जो एग्रीगेट्स है फिजिक्स केमिस्ट्री और बायोलॉजी में वो कम से कम 50% होनी चाहिए, वो कम से कम 50% आपके पास होनी चाहिए। ओबीसी एससी और एसटी के लिए 40% और पीडब्ल्यू के लिए 45% रखा गया है जी। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट मुद्दा, क्या एज लिमिट है? बिल्कुल भी नहीं सर, किसी प्रकार की एज लिमिट और आपकी अटेम्प्ट लिमिट नहीं है, मतलब अगर आप 45 साल के हैं बेशक जाके आप लोग एग्जाम को दे सकते हैं जी। इसके बाद आता है मुन्ना कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, बड़े गौर से मेरी बात को सुनिएगा। सबसे पहला है तुम्हारे पास फोटोग्राफ, तो पासपोर्ट साइज और पोस्ट कार्ड साइज का आपको फोटोग्राफ आपको रखना है जी। ठीक है, आइए जी, और ये दोनों फोटो आपका जेपैक फॉर्मेट में होना चाहिए, पीएनजी फॉर्मेट में नहीं, जेपैक फॉर्मेट में, जेपीजी फॉर्मेट में आपके पास ये होना चाहिए जी। ठीक है, उसके बाद जो थंब इंप्रेशन है मुन्ना मेरे पास, वो लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन होना चाहिए, राइट का नहीं, लेफ्ट हैंड का थंब इंप्रेशन होना चाहिए लड़के और लड़की दोनों के लिए जी। इसका साइज क्या होगा जी मुन्ना, 10 KB से लेके 200 KB और ये भी तुम्हारे पास जेपीजी फॉर्मेट में आपका होगा जी, याद रखेंगे, ओके, 10 KB से 20 KB, मतलब आपको कंप्रेसर यूज करना पड़ सकता है फोटो को कंप्रेस करने के लिए। इसके बाद सिग्नेचर भी आपका जो होगा वो 4 से लेके 30 KB का होगा जी और ये भी जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए। थर्ड हो गया, फोर्थ पॉइंट क्या तुम्हारे पास, कैटेगरी सर्टिफिकेट। तो कैटेगरी सर्टिफिकेट क्या हमारे जनरल बच्चों को लगेगा? बिल्कुल भी नहीं सर, ये सिर्फ और सिर्फ आपके ओबीसी एनसीएल ईडब्ल्यूएस वालों को लगने वाला है जी, और साथ साथ में मुन्ना आपका वैलिडिटी सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट और वैलिडिटी सर्टिफिकेट नहीं है तो आपको आगे चल के बहुत दिक्कत होगा जी, है ना, काउंसलिंग में बहुत ज्यादा दिक्कत होने लगता है जी। अच्छा, जो आपका ये सर्टिफिकेट है इसकी साइज क्या होनी चाहिए, तो इसकी साइज आपके पास 50 से लेके 300 KB और ये आपका जो होगा, ये जो आपका होगा वो आपका पीडीएफ फॉर्मेट में होगा जी। किस फॉर्मेट में होगा? ये आपके पीडीएफ फॉर्मेट का सर्टिफिकेट, ध्यान देंगे ये जेपीजी में नहीं होगा। इसके बाद सेल्फ डिक्लेरिंग सर्टिफिकेट किस किस बच्चों को लगेगा जी? उन्हीं बच्चों को लगेगा जो जम्मू कश्मीर से और एनआरआईज हैं, ओके, ठीक है, जो जम्मू कश्मीर से बिलोंग करता है, जो एनआरआई है, उन्हीं को आपके पास सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, जो कि आपके पास 50 से लेके 300 केबी तक का होगा और ये भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करवाना है जी। ठीक है, सेल्फ डिक्लेरेशन सर्टिफिकेट का जो फॉर्मेट है वो वाउचर में दिया गया है, आपको उसी को यूज करना है जी। ठीक है, इसके बाद क्लास 10th की पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। ठीक है, वो जो आपका मार्कशीट है उसको अपलोड नहीं करना है। देखो बच्चे, आप लोग यहीं पे गलती करते हो और काउंसलिंग में मैंने देखा है मैक्सिमम बच्चे लोग यहीं पे प्रॉब्लम क्रिएट होता है जी। आप लोग है ना क्या करते हो, अपनी मार्कशीट अपलोड करते हो, नहीं सर आपको अपनी पासिंग सर्टिफिकेट अपलोड करना है। आपको देखो दो चीज मिलती है, जब क्लास 10th पास किए रहोगे तो आपको सबसे पहले मिलती है मार्कशीट, है ना, जिसमें लिखा रहता है कि भैया आपको इतना परसेंटेज आया हुआ है, और जो पासिंग सर्टिफिकेट है उसमें लिखा रहता है कि आपका डिस्टिंक्शन है, आप फर्स्ट डिवीजन हो या सेकंड डिवीजन हो, गेटिंग इट, तो आपको पासिंग सर्टिफिकेट और ये भी आपको पीडीएफ फॉर्मेट में अपलोड करना है, जिसकी जो साइज है वो 50 KB से लेके 300 KB होनी चाहिए जी। ओके, आइए, तो ये आपके पास फोटो की जो साइज है वो भी आप लोग देख लेंगे जी, जो कि आपका जेपीजी फॉर्मेट में होना चाहिए जी। तो ये सारी डॉक्यूमेंट्स एक बार आप लोग पहले कलेक्ट कर लीजिए, प्रॉपरली स्कैन करवा लीजिए साइबर कैफे में जाके, और किसी बड़े इंसान के साथ, बड़े इंसान का मतलब क्या, जिसको नॉलेज है, ओके, उनके साथ बैठ के आप लोग अपलोड कीजिए, खुद का उंगली मत लगाना यहाँ पे, फिर दिक्कत होगा। ठीक है, लेफ्ट थंब इंप्रेशन आपको लगेगा और सिग्नेचर आपका बहुत ही प्रॉपर होना चाहिए, जो सिग्नेचर आप लोगों ने अपने हॉल टिकट में किया है ना 11th और 12th वाले, वही सिग्नेचर ट्राई करना, बिकॉज वही सिग्नेचर आपके पासिंग सर्टिफिकेट में रहता है। तो इसको यार आप लोगों को ध्यान रखना है, कुछ कुछ मेजर पॉइंट है आप लोगों को ध्यान रखना है।
इसके बाद हमने बहुत ही ऑसम आपको पीडीएफ दिए हैं, मुन्ना किस चीज की थी, फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी की असर्शन रीजन, जिसमें से फिजिक्स की अपलोड हो चुकी है, केमिस्ट्री और बायोलॉजी सभी की अपलोड हो चुकी है जी। आप लोग जाइए टेलीग्राम पे और आप लोग इसको यूज कीजिए और अप्लाई कीजिए, और कोई भी दिक्कत आएगा डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन, आपके भैया खड़े हैं। हम ये भी ट्राई करेंगे कि मैक्सिमम बच्चे जिनका दिक्कत हो रहा है उनका हम लोग अप्लाई कर पाएंगे, ठीक है, मतलब हम उनको हेल्प करें अप्लाई करने के लिए जी। मिलते हैं आपको अगले वीडियोज में, अभी के लिए बस इतना ही गाइस, थैंक यू, जय हिंद।